गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ भारत पे का पोस्ट पे अकाउंट के बारे में। अगर आप सब अभी तक भारत पे का पोस्ट पे अकाउंट को एक्टिवेट नहीं किए हैं तो आप सब जरूर ही कर लीजिए, क्योंकि उसमें एक आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है। जब आप ये क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आप सब, अगर आप इधर से मनी ट्रांसफ़र करेंगे अपने सेविंग अकाउंट में, तो आप सबको 2% चार्ज देना पड़ता है। बट मैं अब भी आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक की मदद से जब आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो आप सब सिर्फ और सिर्फ 1% के हिसाब से ही आप सब मनी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो क्या देखिए, सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करने के लिए इधर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्रेडिट कार्ड का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इससे पहले आपको वेटिंग लिस्ट मिल गया होगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट में जाने के बाद आपको 12 घंटे बाद जब आप इसको फिर से उसी पर क्लिक करें तो आपका कार्ड इधर शो हो जाता है। और कार्ड शो होने के बाद अब क्या करना, आपको इधर से आपको दिखेगा ऑर्डर का, तो आप ऑर्डर पर क्लिक कर देना और कार्ड को आपको डिलीवर करवा लेना है आपको जो भी एड्रेस पर चाहिए उस एड्रेस पर। इस प्रांत कार्ड को ऑर्डर करवा लीजिएगा, ठीक है, जो कि मैं इधर से ऑर्डर कर चुका हूँ। हमको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ये क्रेडिट कार्ड हमको हमारे एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। जी, वो तो हो गया ऑर्डर करने की बात। अभी हम बात करने वाले हैं कि इस तरीके से इसका बैलेंस को कम खर्चा में विड्रॉ किया जाए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली इधर से बैंक पे ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको कितना देना पड़ता है चार्ज, कम से कम हमको 2% चार्ज देना पड़ता है। इधर साफ साफ मेंशन भी किया गया है, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करेंगे ये बैलेंस को, तो आप सबको टोटल 2% के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको सजेशन करने वाला हूँ, अभी आपके पास एक एप्लीकेशन और होना चाहिए जिसका नाम है धनी पे एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने धनी पे एप्लीकेशन में। तो गाइस, आपके पोस्ट पे में जितना भी लिमिट मिला है, लिमिट विड्रॉ करने के लिए आपको आना पड़ेगा धनी पे एप्लीकेशन में। धनी पे एप्लीकेशन में आने के बाद आपको एड मनी पे क्लिक कर देना है और जितना भी अभी आपको लोड मनी करना है उतना आपको इधर से एड मनी भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम डाल देते हैं 910 रुपया। उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, नीचे में आएंगे, इधर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एड मनी टू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, आप ये वाला ऑप्शन चॉइस करना है। अभी आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अभी आपको जो पोस्ट पे अकाउंट में जो आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड मिला है ना, उसका नंबर इधर आपको डाल देना, ठीक है। उसके बाद पे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। चलिए प्रोसेस हम पूरा कर लेते हैं। सो गाइस, जो आपके पास वीजा का वर्चुअल डेबिट कार्ड मिला है ना पोस्ट पे में, उसका नंबर आप डालने के बाद अभी आपको पे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे पे क्लिक करेंगे उसके बाद प्रोसेसिंग में जाएगा। प्रोसेसिंग में जाने के बाद बता दूं, इसका जो पेमेंट गेट पे लगाया गया है वो जीटा का लगाया गया, जो कि पावर बाय है जीटा। इससे पहले आपको मालूम होगा कि जीटा का कार्ड भी मिलता था, बट फिलहाल अभी वो बंद हो चुका है। उसके बाद अभी आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी इधर आपको डाल देना है। कंफर्म एंड पे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म एंड पे वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अभी आपको कुछ देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद ये ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपका मनी सक्सेसफुली एड हो चुका है। एड होने के बाद अभी आप ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी वॉलेट में कितना आपका बैलेंस हो चुका है, 1020 रुपया अभी हमारे वॉलेट में पूरे लिमिट अवेलेबल हो गया है। तभी हमको इस लिमिट को मनी ट्रांसफर करने के लिए इधर भी एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है, माई कार्ड का ऑप्शन। आपको माई कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ये कार्ड नंबर आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करने के बाद अगर हम इधर से भी मनी ट्रांसफर करेंगे तो हमको इधर भी 2.5% चार्ज देना पड़ेगा, बट हमको कम चार्ज में मनी ट्रांसफर करना है। इसके लिए हम एक एप्लीकेशन को और यूज करने वाले हैं। गाइस, अभी जो मैं एप्लीकेशन यूज करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ इंडिया गोल्ड एप्लीकेशन। आप सबको इसके आगे की कहानी तो मालूम होगा, बट मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, आप सब पूरा प्रोसेस देख लीजिए। आपको ये एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना, इसमें भी आपको अकाउंट बना लेना। अभी आपको ओपन वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अभी आपको आ जाना, इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन, आप डिजिटल गोल्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन, आप गिफ्ट कार्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे में स्लाइड कर देना है। नीचे जब स्लाइड करेंगे तो इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है बाय गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन, आप बाय गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके आपको लास्ट में आना है, इधर आपको जितना का अमाउंट जरूरत है, जैसे कि 1000, 2000, 5000, 10000, 15000, जितना बैलेंस आप विड्रॉ करना है यानी पोस्ट पे अकाउंट, आपको इधर से एक गिफ्ट वाउचर परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे धनी पे एप्लीकेशन में जो मैं अभी पोस्ट पे से लेके गया हूँ 1000 रुपया, वही 1000 का हमको विड्रॉ करना है। तो हम 1000 रुपये वाला गिफ्ट वाउचर परचेज करते हैं और प्रोसेस टू पे पे क्लिक कर देते हैं। उसके आपको नीचे में आ जाना है, इधर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो हम इधर सेलेक्ट करते हैं अपना क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। उसके बाद फिर से आपको अपना क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चॉइस करना है। उसके बाद अभी आपको जो धनी पे में जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड नंबर मिला है ना, वो नंबर इधर आपको डालना है और पे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पे पर क्लिक करेंगे फिर से ये प्रोसेसिंग में जाएगा। प्रोसेसिंग में जाने के बाद अभी आपको धनी पे की तरफ से एक ओटीपी आएगा, ये ओटीपी इधर आपको फिल करना है और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलो हम ये ओटीपी फिल करते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इधर से एक आपको गिफ्ट वाउचर परचेज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे अभी आपका गिफ्ट वाउचर परचेज होता है तभी आप घबराइए मत। अभी आप बोलेंगे इधर भी तो हमको 2% के हिसाब से चार्ज लग ही गया, तो क्या देखिए इधर आपको 2% के हिसाब से जो आपको
चार्ज लगा है ना, उसके बदले आपको धनी पे एप्लीकेशन में 1% के हिसाब से कैशबैक मिल जाएगा। यानी हम सब 1% चार्ज देकर मनी विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम ये ट्रिक इधर आके यूज किए हैं, ठीक है। इधर आप देखेंगे हमको अभी धनी पे की तरफ से एक मैसेज भी आएगा जिसमें हमको बता दिया जाएगा कि आपको टोटल 10 रुपये कैशबैक भी मिल चुका है, ठीक है। तो आपको दिखा भी देता हूँ लाइव, हमको एक मैसेज भी आ जाएगा अभी। उसके बाद देखिए अभी आप क्या करने के लिए, आप बैलेंस को अकाउंट में डाल लीजिए। अकाउंट में डालने के लिए इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कैंसिल गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे में ऑप्शन आपको फिर से दिख रहा है कैंसिल का ऑप्शन, कैंसिल एंड रिफंड का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आ जाना इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है UPID का ऑप्शन, आप UPID पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी UPID अवेलेबल है, कोई भी जैसे गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, किसी का भी हो, वो UPID इधर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेंड मनी टू बैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड मनी टू बैंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद इधर देखेंगे तो आपको रिफंड इन प्रोसेस में गया, यानी आपका जो बैलेंस का रिफंड कर दे रहा है आपके अकाउंट में। ऊपर में आप देखेंगे कि आपका गिफ्ट कार्ड का जो बैलेंस है ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। साथ में इधर एक कंफर्मेशन आपको मैसेज इधर भी आ जाता है कि आपका फाइनली रिफंड भी आपके सेविंग अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बट उससे पहले ही आपको जो फ़ोनपे एप्लीकेशन, जैसे मैं मनी ट्रांसफ़र किया हूँ तभी हमको फ़ोनपे की तरफ से एक नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है कि आपके अकाउंट में 1000 रुपये रिसीव हो चुका है, और साथ में आपको 1% के हिसाब से उधर कैशबैक भी धनी पे एप्लीकेशन में मिल चुका है। गाइज कभी कभी कैशबैक आने में लेट लगता है, बट घबराइएगा मत, आपको ये कैशबैक मिलेगा। बट लेट मिले या थोड़ा और लेट मिले, बट कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको कैशबैक मिलता है धनी पे एप्लीकेशन में। तो आपसे 1% के हिसाब से अपना, तो गाइज आपसे 1% के हिसाब से पोस्ट पे अकाउंट का जो बैलेंस है आपके पास, उसको आप से अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इतना झंझटबाजी नहीं करना है तो आप, मैं साधारण प्रोसेस बताता हूँ, उस प्रोसेस से भी आपसे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गाइज अगर आपको इतना झंझटबाजी नहीं करना है, आपको एक ही भाषा में बता दूँ कि अगर आपको साधारण तरीके से मनी ट्रांसफ़र करना है पोस्ट पेड अकाउंट का, तो अभी आपको पोस्ट पे अकाउंट में आ जाना है। इधर एक ऑप्शन आपको एरो का दिख रहा है नीचे में ऑप्शन, आप एरो वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, और नीचे में आपको इधर ऑप्शन आपको दिख रहा है सेलेक्ट अनदर बैंक अकाउंट का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करना है। उसके बाद आपको बैंक का एक लिस्ट आपके सामने आएगा, ठीक है। इस बैंक में से आपको जो भी अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो आप अकाउंट नंबर इधर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इससे पहले मेरे पास ऑलरेडी ICIC का लिंक है ही, अभी हम यूनियन बैंक सेलेक्ट कर ले। जैसे आप यूनियन बैंक सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर से जितना भी अकाउंट लिंक कराता है ऑटोमेटिक वो नंबर आपको इधर से सेलेक्ट यानी हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये मेरा ऑलरेडी मेरे पास है बैंक, चलो मैं इधर सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। कितना अमाउंट अभी आपको ट्रांसफर करना है, जैसे कि मैं डालता हूँ 100 रुपया, ठीक है। जैसे कि इधर हमको चार्ज लगने वाला है, टोटल आप देखेंगे 2% के हिसाब से चार्ज लगने वाला है, बट जो मैं अभी आपको ट्रिक बताया ना उधर आपको 1% चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। चलो इधर हम 1010 ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो चलो मैं 10 रुपया कर देता हूँ क्योंकि हमको चार्ज लगने वाला है, क्योंकि हमको कम चार्ज में तो मनी ट्रांसफ़र हो ही रहा है, तो क्यों हम ज़्यादा देकर ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए हम 10 रुपया करते हैं आपको दिखाने के लिए, कंफर्म पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका MPIN रहेगा अपना MPIN आप डालेंगे, कुछ आपको लोडिंग होगा, उसके बाद आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद इधर आप देखेंगे इंस्टेंटली आपके सेविंग अकाउंट में ये बैलेंस भी ट्रांसफ़र हो गया है। तो गाइस आप तो कुछ इस तरीके से अपना भारत पे का पोस्टपेड अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं सबसे कम चार्ज में। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।